आज हमारे ये केवली में रेड टेस्ट हो रहा है, मेडिकल टीम आया हुआ है, जो कि हमारे लिए बस्ती वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा बात है। खास करके बस्ती वाले लोग मेडिकल जाने से डर रहा है, मतलब कहीं मेडिकल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए बोल के। और ये मेडिकल टीम जो बस्ती आ रहा है सुन के बस्ती वाले भी बहुत खुश हैं। खास करके हम लोग बस्ती वाले का तरफ से मेडिकल टीम और ये नोडल ऑफिसर जितेंद्र लिंगी को हम लोग थैंक्स करना चाहता है जो हमारा बस्ती में वो रेड टेस्ट कराने के लिए। एक्चुअली हम लोग एक्चुअली हर बस्ती पर पूरा सर्विलेंस पूरा लास्ट एक महीना से हम लोग कर रहा था, तो उसी में केवली से भी एक 10 दिन पहले पॉजिटिव निकला था कोई कहाँ जगह, इसलिए तो हम लोग भी यहाँ में भी और फैल गया कि नहीं देखने के लिए आया था। तो आज आके हम लोग देखा है टोटल, ऐसे तो गांव का जो गांव बुढ़ापा को लीडर का मुताबिक मालूम हुआ है यहाँ में टोटल पॉपुलेशन 150 को 16 लीज बनाया था, लेकिन हम लोग रैंडम सैम्पलिंग हिसाब से 72 टेस्ट किया, आउट ऑफ 72 ऑल हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ इतना यहाँ में नहीं फैल चुका है, इसलिए गांव का आदमी लोग सावधान होना है। नेगेटिव का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं लगेगा, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपका मास्क पहन के बाहर निकलना है और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश साबुन से मेनली हमेशा सैनिटाइज करने से भी ऐसा नहीं वो हाथ वो स्किन खराब हो जाता है, ज़्यादातर हाथ साबुन से धुलाना अच्छा है। हाँ, लेकिन बाहर जाने से आप सैनिटाइजर लेके जाना है। अरुणाचल में लोअर दिबांग वैली में सबसे ज़्यादा केस निकल रहा था, स्पेशली शुरू में एक्चुअली बोलने से टाउन एरिया में, रोइंग प्रॉपर टाउन एरिया में, जैसे आपका शुरू में आप लोग टेस्ट नहीं करा था, बाहर से ग्रीप का लेबर और बहुत लोग बाहर से भी आया था, गेट में भी चेक नहीं किया था, उसका वजह से थोड़ा आके पहला फैल गया था। लेकिन जैसे हम लोग टेस्ट करने शुरू किया, जैसे कंटेन करने शुरू कर दिया, हम लॉकडाउन शुरू कर, लॉकडाउन का टाइम में काफ़ी हम लोग का अभी कंट्रोल है। अभी सपोज इनिशियली जैसे 24% तक गया था, अभी हम लोग कल तक 3% तक आ चुका है। आज अभी कितना है हम लोग जाके देखेगा, क्योंकि मैक्सिमम बस्ती हम लोग कवर कर चुका है, रैंडम सैम्पलिंग पुलिंग PACCH इवन सब सेंटर लेवल तक मैक्सिमम बस्ती से हम लोग सैम्पलिंग टेस्टिंग सर्विलेंस कर चुका है। तो उसमें से पता चला है कोई कोई बस्ती में फैला है, कोई कोई में नहीं फैला है। तो केवली में भी आज हम लोग कर लिया, केवली अभी तक तो बचा हुआ है, इतना नहीं फैला है। ऐसे भी वो लोग थोड़ा पहाड़ का है, थोड़ा अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी स्लोपिंग है, पानी भी नहीं रुकता है, हवा भी अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छा है, नीचे नहीं जाने से ठीक है ताकि इंजेक्शन ना लगे, बसा के रखना है। सर और जो हाँ सबको लिए हमको यही एक रिक्वेस्ट है, जो जो अभी तक टेस्ट नहीं करे ठीक है, अगर घर में सेफ है थोड़ा भी आपको कल को आपको थ्रोट पेन हो और सर्दी लगे, इमीडिएटली जाके नियरेस्ट आपका इवन सब सेंटर लेवल में भी PACCH हर जगह में टेस्टिंग हो रहा है, आप वहाँ नियरेस्ट सेंटर गए और टेस्टिंग करा लीजिए। वो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो है। और जो वैक्सीन नहीं लिया है वो लोग कम से कम वैक्सीन ले लिया, क्योंकि वैक्सीन का अभी तक जितना डेथ हुआ है उसमें से देखा है वैक्सीन लिया वालों को भी पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ सिम्टम इतना खास नहीं होता है और उसका कैजुअलिटी नहीं होता है, मेनली डेथ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन जनरली होते हुए नहीं देखा है। अच्छा, 26 ऑफ मई 2021 को हमारे यहाँ पे कोविड का टेस्ट हुआ, जिसे सबका घर से आया, सब लोग ने टेस्ट किया है, टोटल 72 टेस्ट हुआ है, उसमें पॉजिटिव 0 है। बहुत खुश है हम बस्ती वालों ये मतलब वो लोग अच्छे से कॉर्पोरेट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग किया है और इस तरह से यही करते रहेगा। हमारा जो यूथ है, यूथ ग्रुप है बस्ती में, वो लोग उसको मॉनिटरिंग कर रहा है और हम खुद भी बीच बीच में आके मॉनिटरिंग करते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारा देवरी सर जी को, वो उसने हमारा बात को रखा और ये टेस्ट को कामयाब होने दिया, और मतलब इस बात का भी खुश है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव 0 है, इससे पता चलता है कि हमारा यहाँ कोविड फ्री है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, तो ये हमारा जो मॉनिटरिंग है, हम लोग का जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो कंटिन्यू करते जाएंगे।